का एक्सरसाइज पार्ट जितने भी क्वेश्चन है आपको आज कंप्लीट कराया जाएगा। तो सभी बच्चे जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाए उन सभी टॉपिक्स को अपने नोटबुक में नोट करें और सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझें और पढ़ें। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके पास, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके या फिर पर्सनल कॉल करके उससे पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए चैप्टर नंबर 2 का जिसका नाम है भोजन विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम, पहला क्या है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है वसा, तीसरा क्या है विटामिन, चौथा क्या है प्रोटीन और पांचवा क्या है खनिज। शरीर को पुष्ट करने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। क्या कहना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, मतलब हमें नाम बताना है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उस पोषक का क्या नाम है। उसका क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो कि हमारे शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, वह विटामिन ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन हो, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, अस्थि मतलब क्या, हड्डियां। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है क्या है, वो कैल्शियम। कैल्शियम का काम करता है हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, क्या करता है हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पोषक तत्व क्या है, यहाँ पर पोषक तत्व नाम लिया जाता है, वास्तव में पोषक तत्व क्या है। तो पोषक तत्व क्या है, चलिए देखते हैं, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, हम पोषक कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये समझते हैं इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, का वसा, मंड, आहारे जैसे और प्रोटीन। चलिए पहला क्या है, वसा। वसा में क्या लिखी होती है, घी और दूध। तो तुम्हारा वसा में क्या आंसर हो जाएगा, तुम्हारा घी और दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बिंदु क्या है, मंड। मंड में क्या है, चावल और आलू। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आहारे जैसे, इसमें क्या है, सब्जी और फल। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोटीन। प्रोटीन किसे किसे मिलता है, पनीर से और राजमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विटामिन का कार्य लिखो। हम लोग विटामिन लेते हैं इसका मतलब क्या है, विटामिन का कार्य लिखो। विटामिन में हम क्या क्या चीजें मिलती है, इसके बारे में जरा लिखो। विटामिन का कार्य तो क्या है, विटामिन हमें रोगों से बचाता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। मतलब क्या है कि विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है और रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है और शरीर की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो कौन सा विटामिन है वो, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, ये हमारे शरीर में सूर्य की प्रकाश से बनता है। विटामिन डी कैसे बनता है, हमारे शरीर में सूर्य की प्रकाश से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कह रहा है, सही और गलत के चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन क्या है, सही और गलत के चिन्ह लगाएं, मतलब ये चार जो आपको दिए हैं बिंदु इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है इसके बारे में जरा हमें देखना है। तो पहले जो नंबर है उसमें लिखा है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं,
केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, केवल चावल खाने से ऐसा नहीं होता। संतुलित आहार खाकर अभाव जन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? यस, की जा सकती है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? एकदम सत्य है। मतलब क्या है इसका कि शरीर के लिए संतुलित आहार में हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। एकदम सही है। शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? मतलब मांस खाने से हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे? गलत, बिल्कुल नहीं। तो जितने भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं यहाँ पर, सही और गलत के जितने भी आपको बिंदु कराए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, उसको जरा फिर से पूरा और जितना भी पढ़ाएगा आपको चैप्टर नंबर 2 में पूरा फिर से रिवाइज कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? भोजन का कार्य क्या है? भोजन का कार्य क्या है? तो क्या होता है, देते हैं भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। क्वेश्चन क्या है, भोजन का कार्य क्या है, भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं, भोजन का काम क्या है आखिर? तो क्या क्वेश्चन, क्या आंसर इसका? भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि रिक्त स्थान है, चलिए आइए जरा इसको देखते हैं और समझते हैं क्या है। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? तो डैश डैश विटामिन डी के अभाव से होता है, तो कौन सा रोग होता है? रिकेट। क्या होता है? रिकेट। खान नंबर में है, डैश डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। किसी कमी से? विटामिन बी की कमी से। गंग, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भोजन का कार्य क्या है? भोजन का कार्य क्या है, मतलब भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, उसका कार्य क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। तो भोजन का कार्य क्या है? भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें उसकी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो कारण नंबर है, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है, तो विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? रिकेट होता है। क्या होता है? रिकेट। खान नंबर क्या है, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। क्या है, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के अभाव से स्क्रवी होता है। क्या होता है? स्क्रवी नामक रोग होता है। घान नंबर में क्या है, हमारे भोजन डैश के अभाव से रतौंधी होती है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सभी ने नोटबुक में लिख लें, और जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ाए जाते हैं या जो भी क्वेश्चन आपका कराया जाता है, समझाया जाता है, उन सभी क्वेश्चन को आप